के एम अगरवाल महाविद्यालयाने गेल्या 22 वर्षांमध्ये केलेली शैक्षणिक विकास आणि प्रगती पाहता अभिमान वाटत असल्याचे गौरवोद्गार राज्याचे माजी गृहमंत्री कृपाशंकर सिंह यांनी काढले. के एम अगरवाल महाविद्यालयाच्या 22 सप्टेंबर या फाउंडेशन दिनाच्या पहिल्या स्पर्धापन दिना प्रत्यर्थ आयोजित जर्नी अहेड गांधी महोत्सव या कार्यक्रमाअंतर्गत कृपाशंकर सिंह यांनी गौरवोद्गार काढले. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर आर बी सिंग सर होते. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आनंद दुबे, विजय पंडित, रमाकांत तिवारी, दिनेश सोमाणी, मुन्ना पांडे, अनंत गवळी, कांतीलाल जैन, विजय तिवारी, व्ही के मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर अनिता मन्ना यांच्यासह शेकडो मान्यवर उपस्थित होते. प्राध्यापक प्रशांत मोरे यांनी यावेळी आपली कलाकारी पेश केली. कृपाशंकर सिंग म्हणाले की डॉक्टर आर बी सिंग यांना अपेक्षित तेवढे के जी हायस्कूल ते व्ही डी महाविद्यालय या भागातून उभे करण्यास निश्चित सहकार्य करेल. महाविद्यालयाने जवळजवळ 7,000 विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली आहे. मेरिट लिस्टमध्ये या विद्यार्थ्यांची आघाडी, क्रीडा स्पर्धांमधून मिळवलेली पदके पाहता या महाविद्यालयाने मोठी झेप घेतली आहे. प्राचार्य मन्ना यांचे व्यवस्थापन आणि डॉक्टर आर बी सिंग यांचे नेतृत्व या महाविद्यालयाच्या आघाडीला नेण्यास समर्थ आहेत असेही त्यांनी सांगितले. याबरोबरच गांधीजींचा साधेपणा, हौतात्म्य आणि विचारांची शिदोरी घेऊनच आपण वाटचाल करून शांतीचा मार्ग अंगीकारला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर आर बी सिंग यांनी कॉलेजच्या स्थापनेच्या इतिहासाला उजाळा देताना संचालक मंडळाच्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद दिले. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. यहाँ तक क्यों उन्होंने कहा कि अगर ये कल्याण का कॉलेज, ये मगरौल कॉलेज जो कि हिंदी भाषी संस्था के माध्यम से चलाया जाने वाला है, अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा. और इतनी बड़ी शब्द जब भैया ने रख दी तो ये कॉलेज हमको मिला. गांधी हवा का हर झोंका, गांधी हवा का हर झोंका आंधी नहीं होता है, धातु का हर धातु चांदी से निकल के आती है और अपना शिकार मुंह में दबोच के फिर गांधी जी के तस्वीर के पीछे चली जाती है. और ऐसे समय में जबकि देश एक विकराल परिस्थितियों से जूझ रहा है, आतंकवादी आक्रमण हो रहे हैं और कहीं उठा सकता है कौन, और इसलिए आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी का यहां मैं फिर से स्वागत करता हूं. नाम नहीं कृपाशंकर, धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी, और शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत और राम के चरणों में क्यों पड़ा, राम कहे मैं बड़ा तो हम भक्तों के दिलों में क्यों पड़ा, और कृपाशंकर सिंह कहे अगर मैं बड़ा तो हम कल्याणवासियों के दिलों में क्यों पड़ा. आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी, शायद हम लोग अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सारी बातें भी उड़ेल दें, लेकिन जिस समय 20 साल तक
यहाँ पर मैं आरबी सिंह का भी उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर रवि का आपका ही मंच है और आप लोग अपने अपने लोगों की तारीफ करो, नहीं मैं इसके लिए उल्लेख करना चाह रहा हूँ, 22 साल तक यहाँ पर कल्याण विभाग से मंत्री बने, कल्याण विभाग में की सरकारें रही, दूसरे पार्टियों की सरकारें रही, उनके भी लोग थे, कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, लेकिन 1972 से लेकर 22 साल तक 1993 तक किसी संस्था ने यह सोचा नहीं कि कल्याण जी कॉलेज बनाना चाहिए। और इसलिए जब मैं अरविंद सिंह का नाम लेता है तो कहता हूँ कि हीरे की शिफ़ा तुमने तो दिखा दे, किस विषय में कहा जाए, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को शिक्षा देता है कि जिंदगी से प्यार करना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ जिंदगी तुझे मैं प्यार क्यों करूं, हर सुबह तो मेरी उम्र, मैं किसको किसको प्रणाम करूं, क्या भगवान जी को प्रणाम करूं कि हिंदी भाषी पहले जो यहाँ के नगराध्यक्ष हुए थे तपसी पांडे जी को प्रणाम करूं, पहले उपनगराध्यक्ष सुंदर पंडित जी को प्रणाम करूं, हमारे घर के गांव के पड़ोसी पंडित एन पांडे जी को प्रणाम करूं, क्या इस कल्याण की धरती को प्रणाम करूं, या कल्याण के किले किलों को प्रणाम करूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को प्रणाम करूं, मैं तो समझता हूं कि महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वीरों की परंपरा है, छत्रपति साहू महाराज की जो सामाजिक परंपरा है, महात्मा फुले की जो शिक्षा की परंपरा है, सारी परंपरा को देखा जाए तो हिंदुस्तान में अगर एक राष्ट्र है तो दूसरी तरफ एक महाराष्ट्र है, जहां हमारे जैसे अखंड लोग कौन कहां से आता है, और जैसे गाड़ी कल्याण पहुंचती है इगतपुरी के बटाटा वाला खाने वाले लोग कहते हैं कि हम बंबई पहुंच गए हैं। अरे बात सत्य, एडिशन हॉल में बैठ करके हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, उपाध्याय जी मुझे बहुत सारे विषय वो भी याद है, और इस कॉलेज के लिए एक और व्यक्ति जो हमारे बीच में नहीं है वो प्रमोद तिवारी हुआ करते थे, नगर सेवक हुआ करते थे, ये टीम इतनी बढ़िया थी, बीच में थोड़ी सी नजर आ गई मुझे पंडित जी, और आज मुझे कहने में किसी शायर की बहुत बढ़िया लाइन है, बड़ी मुद्दत से दिल की बेकरारी को करार आया और जिस जानी में तरस आया उसी जानी में प्यार आया। महीने दो महीने में कल्याण आया करता था, किसी न किसी बहाने आता था, और सचमुच यहां की जो परंपरा है उस परंपरा को जाके मुंबई शहर में उत्तर भारतीय संघ का भवन नहीं बन पाता, लेकिन सबसे पहले अगर उत्तर भारतीय समाज के भवन बना तो आप ही लोगों ने हिंदी जन कल्याण परिषद के नाम से, और यहां से प्रेरणा मिली है। जहां तक दो तीन विषयों पर डॉक्टर रामचंद्र सिंह जी ने कहा कि यहां पर कोई स्कूल नहीं है, CBSE के माध्यम से करना है, टिटवाला का कार्य बहुत दिन से प्रलंबित है जिसकी बात हुई थी, अभी थोड़ा मुझे मेरे पास फुर्सत है, और मैं सरकार किस दल की है किस नीतियों के आधार पर चलती है मुझे कहीं अड़चन नहीं आती है, आज मैं इतने विद्वानों के बीच में मैं कह सकता हूं और धन्यवाद दे सकता हूं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, लॉ कॉलेज के परमिशन के लिए नाम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज का इसी हालत थी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि दो तीन कॉलेज के मिल रहा है, एक निकी सिंह मिल रहा था ठाकुर विद्या मंदिर में, उनको भी नहीं मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, असेंबली चल रही